बड़वानी जिले के सिलावद में सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण के अंतर्गत आशाग्राम ट्रस्ट बड़वानी में संचालित दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के द्वारा जिले के हर तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर दिव्यांग हितग्राहियों योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलावद में दिव्यांग हितार्थ शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 46 दिव्यांगों का पंजीयन हुआ, जिसमें मेडिकल बोर्ड ने 7 दिव्यांगों के विकलांगता का प्रमाण पत्र बनाया और 38 दिव्यांगों का अपनी खुद की पहचान UDID कार्ड के आवेदन और 37 दिव्यांगों के बस यातायात रियायत के पास बनाने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। इस अवसर पर DDRC के प्रभारी मणिराम नायडू, नागरिक प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती नीता दुबे, विशेष शिक्षक विकास श्रीवास्तव और जिला मेडिकल बोर्ड भी उपस्थित रहा। साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलावद में गर्भवती महिला के शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 35 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। डॉक्टर प्रतिभा ने दोनों टाइम आयरन और कैल्शियम की गोलियां खाने के लिए समझाइश दी। बलसूद से जहारे डुडवे की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग बड़वानी के द्वारा जिले के जितने भी दिव्यांगजन निःशक्तजन हैं, जिनको किसी भी प्रकार की सुविधा एवं किसी भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता, उसके हितार्थ के लिए हम लोग ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जो दिव्यांग लोगों का जो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड होता है UDID कार्ड, तो उसके आवेदन लिए जा रहे हैं। उसके बाद में जैसे सभी सामान्य लोगों का आधार कार्ड बनता है, उसी प्रकार का दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशल यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड बनेगा, जिसमें सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट और उनकी सारे डिटेल्स इस कार्ड में, स्मार्ट कार्ड में मौजूद रहेगा। साथ में ही दिव्यांग लोगों के लिए बस कंसेशन पास जो होता है, जिसमें 50% का उनको कंसेशन मिलता है, वो कार्ड का आवेदन लिया जा रहा है। और किसी भी प्रकार के दिव्यांगजन, ऐसे दिव्यांग जिनको किसी प्रकार का उपकरण या किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है, उसके आवेदन लेके उसकी उसको मतलब पूरी तरीके से देने की कार्रवाई यहाँ से की जा रही है। निःशुल्क रहेगा ये, पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, जिला प्रशासन के द्वारा निःशुल्क रहेगा पूरी तरह। कौन से ट्रस्ट है सर? ये हम लोग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंदर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालित है, इस जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के द्वारा हम लोग आए हैं। और ऐसे दिव्यांगजन जिनके विकलांग प्रमाण पत्र भी नहीं बने हैं, उन लोगों के विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने की भी कार्रवाई की जा रही है जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।